वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली इंशाल्लाह ताला बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ कुटी मिर्च का गोश्त, कुटी मिर्च का सालन भी कह सकते हैं हम इसको। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए, ये है 3 किलो गोश्त, 3 kg मीट है ये बीफ। और ये ऑयल में लूँगी 1 कप, और पानी इतना लूँगी ये और आधी डेढ़ पतीली वाली, 2.5 चम्मच नमक है, सॉल्ट इतना, लहसुन अदरक का पेस्ट है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ये है कुटी हुई मिर्च 3 चम्मच, चिली फ्लेक्स। ये कुर्बानी के गोश्त की बहुत मज़े का बनता है ये कुटी हुई मिर्च का सालन। तो ये मैं आपको बनाना सिखाती हूँ कुर्बानी के गोश्त का, ख़ास तौर से कुर्बानी के गोश्त का, वैसे भी आप बना सकते हैं। वॉश करके फ्रीज कर दिया था, अब ये इसको डाल दिया मैंने इसमें, और ये देखिए कितना इजी वे में बना रही हूँ। ये आप देखा करिए कि आपके पास टाइम नहीं होता है और हम फटाफट मज़े का खाना बनाना चाह रहे होते हैं, तो कैसे हम इतनी ईजी वे में और जल्दी बनाएँ, तो उसके लिए ये बहुत आसान तरीके से मैं बनाती हूँ। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी, अब मैं इसमें ऑयल भी डाल दूँगी। वैसे तो व्यूअर्स ये एक भी काफ़ी होता है इसमें, लेकिन चूंकि कुर्बानी का गोश्त बड़ा बड़े बड़े बोटियाँ कटी हुई होती हैं इसलिए देर में गलती हैं, तो इसलिए मैंने 2 पतीलियाँ छोटी वाली पानी डाल दिया, और ये ऑयल ऑलमोस्ट 1 कप डालकर ये देखिए चम्मच चला दिया मैंने, और अब लिड क्लोज कर दूँगी और इसको चढ़ा दूँगी पकने। हमेशा आप इसको ज़रूर देख लिया कीजिए बंद करने से पहले कि ये आर पार इसमें नज़र आ रहा है या बंद है, अगर बंद है तो फूक मारकर इसको खोल करें, और ये मैंने इसको बंद कर दिया। अब मैं फ्लेम ऑन कर दूंगी, ये मैंने फ्लेम ऑन कर दी, फुल फ्लेम पर मैं इसको 20 to 30 मिनट्स कुक करूंगी इसमें गैस बनने के बाद। मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगी, अब हो गए हैं 30 मिनट्स, अब मैं इसको टर्न ऑफ कर दूंगी और इसको मैं गैस निकालूंगी। जब ये सारी गैस निकल जाएगी फिर मैं इसकी लिड हटाऊंगी। देखिए अब इसकी गैस निकल गई है, पिन अंदर हो गई, अब मैं इसको ओपन करूंगी। मैंने ओपन कर दिया और अब मैं देखती हूँ कि ये अच्छी तरह गल गया है या नहीं। वैसे गल तो जाना चाहिए इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल फर्स्ट क्लास गल गया है ये देखिए बिल्कुल गल गया। और अब मैं इसमें ये थोड़ा सा पानी है ना, ये पानी बिल्कुल हमें नहीं चाहिए, हमको इसको बिल्कुल ड्राई करना है, सिर्फ ऑयल रह जाए इसका और इसको ड्राई करते हैं। ऑयल इसमें थोड़ा ही डालते हैं क्योंकि ये बहुत चिकना गोश्त होता है। अब मैं इसको दोबारा से फुल फ्लेम पर ऐसी ओपन ही इसको कुक करूंगी। बस ये देख रही हूँ तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसको मैं बिल्कुल पानी खुश कर दूंगी इसको। देखिए ये हो गया रेडी, अब इसमें ये ऑयल ऊपर आ गया है और फिर सर्व कर आपको दिखाती हूँ। सो व्यूअर्स देखिए ये रेडी हो गया कुटी मिर्च का सालन, और ये कितना लजीज और कितना जल्दी बना वो ये देखेगा आप, एक बना कितने जल्दी है। सारा जो फोकस है वो इस पर रखिए, कितना इजी, कितना सिंपल और कितना क्विक, कितना जल्दी ये रेडी होती है सारी चीज़ें। और बनाइए, खिलाइए, खाइए, बहुत सारी दाद पाइए, बच्चों का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, गरीबों का बहुत ख्याल रखिए, मुश्तकीन का बेतहाशा ख्याल रखिए, और ये बात अपने बच्चों को प्लीज़ ज़रूर सिखाइए। अल्लाह हाफिज़।